बात कर रहे ना, बुजुर्ग लोग बात कर रहे, सुनो भाई। हाँ एक मिनट, खत्म, ये दुनिया को पहुंच गया। हाँ सोशल मीडिया में कल सुबह अखबारों में आएगा, हो गया। और क्या हमारा जो जगित्याल आवाम है, जो सब मिलजुल कर रहे थे, अब जो प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट कर दिया, खत्म होगा बस इतना ही। बात कर रहे ना, बुजुर्ग लोग बात कर रहे, सुनो भाई। Thank you.
मोहतरम सामईन, आप सब जानते हैं जब से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी सरकार इख्तदार में आई है, जब से हमारे मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर कोशिश कर रहे हैं, और गुज़िश्ता दिनों एक बेहुदा खातून ने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, आज हम लोग यहाँ पर तमाम लोग जमा हुए हैं इसकी मजम्मत करने के लिए। हम इस स्टेज से उन तमाम फिरका परस्त ताकतों को बता देना चाहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर नब्बे या रसूल अल्लाह, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हम आज के इस मौके पर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि फिर कुफर ने कुछ फितने फैलाए हैं और जुल्म ने कुछ शोले भड़काए हैं, और नामोस रिसालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है, और ये मुसलमानों के लिए खास तौर पर ये उनकी बुखार, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनकी जान माल सब अल्लाह के रसूल पर कुर्बान। जिस तरह किसी के माँ बाप पर अगर कोई गाली देता है, किसी के माँ बाप को अगर कोई बुरा कहता है तो कुराश नहीं करता, हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप से बहुत बढ़कर है। हमारी जान, हमारे माल, हमारे माँ बाप सब आप पर कुर्बान। फिदा उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, फिदा उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ये नारा था सहाबा का। आप पर उन्होंने अपनी जिंदगियां निछावर कर इस बात को, उन्होंने इस दावे को जो है सही साबित किया है। हजरत, आज जिस किस्म की ये नामोस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो गुस्ताखाना बात की गई, ये नई नहीं है, पहली बार नहीं हुई है। ये तकरीबन 400 साल से खास पर जो ईसाई है, जो सेडर, उन्होंने भी ये जो है सवाल उठाया, इसका जवाब दे दिया गया, ये कोई नया नहीं है। मैं आपका मद्रास से कहता हूँ पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने की कोशिश कीजिए। मैं हमारे भाइयों से कहता हूँ, नौजवानों से, कि भाइयों नारे लगाने और इस तरह के जो है अपने आप को अल्लाह के रसूल पर फिदा करने के दावा, अपने आप को सुन्नत रसूल पर साबित करके साबित कीजिए। दूसरी बात मैं मौके पर कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये बात कही है, उनके ताल्लुक से भी हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां जमहूरियत है, जहां पर कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता। मुसलमान इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं, और हमेशा से तकरीबन आज़ादी के बाद से आज तक कोई ये साबित नहीं कर सका कि मुसलमानों ने इस मुल्क में कहीं कोई फसाद बर्पा किया हो, बल्कि फसाद दूसरों ने बर्पा किया। जब एहतजाज के लिए मुसलमान आए तो लोगों ने गोलियां चलाई हम पर, हमारे घरों को बिल्डोजर के जरिए जो है रोका जा रहा है, ढाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए मुसलमानों का क्या रद्द अमल है। ये दीन इस्लाम की तालीमात है। इस मौके पर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह की जो तौहीन हुई है, ये अपने मुँह में खुद खाक डालना है। चांद पर कोई थूकता है तो उसके मुँह पर ही आकर गिरता है। अल्लाह के रसूल तो वो हैं जो रहमतुल आलमीन हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं